अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, मैं विशाल आपको वेलकम कहता हूँ अपने चैनल खिचड़ी डेली एक्टिविटी व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। ईद उल अज़हा शरीफ आने में 2 दिन बाकी हैं और माशाल्लाह गलियों में रौनकें लग गई हैं। लोग जो है अपने अपने जानवर जो है वो खरीद कर ले आए हैं, अपने अपने घरों के बाहर बांधे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। बच्चों की भी रौनकें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, कोई उनको घास डाल रहा है, कोई चारा डाल रहा है, और लोग उनका ख्याल रखने के लिए रात को बाहर सोते हैं। अपने जानवरों का ख्याल रखने के लिए बाहर चारपाइयाँ बिछा के सारी रात या लूडो खेलते हैं या कैरम बोर्ड। तो हमारी गली में भी इसी तरह काफ़ी रौनकें हैं, हम भी रात को बाहर सोते हैं। तो आपको अपनी गली का जो है वो बाहर का मैं व्यू दिखाता हूँ। ये आगे हैं जी हम बाहर और बच्चे बैठे हैं। ये माशाल्लाह हमारे जानवर भी जो हैं बंधे हुए हैं और ये बच्चे जो हैं कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। माशाल्लाह रौनकें लगी हैं बकरा जी की वजह से। ये हमने अब चारा और पट्टे वगैरह जो है इनको डाल दिए हैं और ये खा रहे हैं। बाकी जो है अपनी गली का जो विज़िट है मैं करवाता हूँ। ये माशाल्लाह पट्टे खा रहे हैं। ये हमारे हमसाए हैं, उनका ये बछड़ा है और कुछ लोगों के जो बकरे हैं वो भी बंधे हुए हैं इधर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी देखें माशाल्लाह रौन के। एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपने बकरों के साथ खेल रहा है, इसके साथ बात करते हैं। ये मेरा दो बकरे हैं, ये बच्चे गा रहे हैं। अब हम जाते हैं जी वापस अपने गेट के पास। ये एक छोटा सा बच्चा भी है अपने जानवर को पट्टे खिला रहा है। हाँ भाई पट्टे खिला रहे हैं। जैन भाई सफाई बड़ी सोहनी कीती है। ये देखें जी माशाल्लाह कैरम बोर्ड की गेम चल रही है, बच्चे बैठे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।